प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इतिहास हम लोग करीबन 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो हम प्रत्येक वीडियो में मैक्सिमम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना बयान कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोर्बो वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनारी से था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो था ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरिवाल्डी पेशा से क्या था। जो गैरिवाल्डी था वो पेशा से नाविक था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लोह की नीति जो था इसका अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो जो कार्बोनारी था इसका संगठन जो हुआ था 1815 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ये जो हुआ था तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ये जो हुआ था सूडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूडान में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रूस में कृषक दासा प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था वो हुआ था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो जो रूस में होता है जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है, रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जो कार्ल मार्क्स जन्म हुआ था वो होता है जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग इतिहास का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जा रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको ये सारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखे। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।